आज है जी 18वां रोजा और बारिश देखें, शाम का टाइम है, बारिश कितनी स्पीड से हो रही है। आज अभी पता लग जाएगा कैसे बारिश हो रही है। आज बाबा जी 18वां रोजा है, ऊपर से ना जुम्मा भी है, रमजान का तीसरा जुम्मा, जो आप लोगों को मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज यदि जुम्मे का दिन, ऊपर से रमजान का तीसरा जुम्मा, 18वां रोजा है और बारिश जो है ना फुल धड़ाधड़ हो रही है, अभी स्लो हुई है थोड़ी सी, देख सकते हैं यहाँ से पानी निकल रहा है। अभी उससे हम जाके आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ना असर की अजान हुई है, ठीक है ना, हम लोगों ने भी असर की अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने जाने ही लगे थे, ठीक है ना, बारिश इतनी स्पीड से होगी और धूप भी निकल आई है, ठीक है ना। अभी हल्की हल्की बारिश हो भी रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये खुला दरवाज़ा, मैंने स्पीड से भाग के निकलना, मैंने पानी में ऊपर आ जाना, सूट जो है ना मैंने नया पहना हुआ है आगे। अभी भी हल्की हल्की जो है ना, वो देख सकते हैं आप लोग, बारिश जो है वो हो रही है, ठीक है ना, और ऊपर से ना सूरज भी निकल आया है। थोड़ी देर बारिश हुई है इस समय 10 से 15 मिनट, और ये हालात देखें कितने टाइट हो गए हैं यहाँ के, चेक करें रोड्स की हालत देखें आप लोग, क्या हो गई है, माशाल्लाह VIP सिस्टम हो गया सारा, अमेरिकन सिस्टम है। ओके करो, बारिश हो रही है और तैयार वालों का काम देखें, वो हैवी बाइक लेके वहाँ निकले हैं, मैं खेल पेट्रोल ख़त्म हो गया इनका, पता नहीं क्या हुआ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा, धक्का लगा कर लेके आएंगे। ओ गैर, ओ तेरी गैर। जानी जानी बंदा इस तरह का बाइक रखे ही ना, इस तरह का बंदा बाइक रखे ही ना। क्या हुआ जानी, हुक्म करो क्या हुआ, मुझे बताओ। अच्छा मैं बाइक लेके आता हूँ 2 मिनट। फिजान साहब रोजा नहीं है आपका, रख लिया करो रोजे, अभी बाइक लेके आते हैं, कोई ना एक और बाइक लेके आते हैं अपने वाला, तो उसे इसको धक्का लगा के फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। यहाँ तो पानी चला गया होगा प्लग प्लुग में, यहाँ तो पेट्रोल पेट्रोल एंड होगा, कोई नहीं भैया का बाइक लेके आते हैं, आग सुधर का शक्ल लगा के स्टार्ट करते हैं। मेरे वाले बाइक की भी हालत देख रहे हैं, 2 मिनट में क्या हो गई है, थोड़ी दिन ही पहले सर्विस की, अब दोबारा सर्विस करनी पड़नी है। चलो कोई नहीं, अभी भैया का बाइक सही खड़ा है, भैया का बाइक निकाल लेते हैं, अभी मेरे तो शक्ल चल रही है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा, क्या धक्के की जरूरत नहीं है, वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हो, क्या बना रहे भाई, सीरीज बना रहा हूँ, रिपेयरिंग गिरा था ना, हाँ जी हाँ जी, स्टैंड का व्लॉग बनाया, आज लगाऊंगा सही। अब्दुल्ला भाई का बाइक का ना मेरे में एक्सीडेंट हुआ है, अगले दिन अगली ब्रेक मारी है लोगों ने, तो बाइक जो है इतना खड़ा खड़ा इधर को ही आ गया, ब्रेक फेल हो गई थी, प्रोग्राम में भी इसका हो गया था, बाकी अब्दुल्ला भाई इसको ऐसा ऐसा जो है ना सेट करवाते जा रहे हैं, इसका इस तरह का मिरर है साइड पर लगा, वो बोला भैया उठाइए, ये रहा, ये भी टूट गया, उसको भी सेट करवाना है अब्दुल्ला भाई ने, और अब्दुल्ला भाई इसका वो पेपरिंग वगैरह भी करवानी है, पेपरिंग हुई है उसका ओरिजिनल, ये लगा सही सही सेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है। बाइक जो है ना मैं धक्का लगाया स्टार्ट हो गया, हम लोग ही वापस आ गए हैं, ठीक है ना, बाइक वगैरह घुमा के सिर्फ 2 मिनट बाइक चलाया, ठीक है ना, हालत देख लें क्या हो गई है। अभी जा रहे हैं फिर नमाज पढ़ने के लिए, चलते हैं, बाइक को यहाँ खड़ा कर दिया, पर हेलमेट लगा दिया, अभी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बाकी अभी नमाज वगैरह पढ़ ली है और हम लोग जा रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए, तो चलते हैं अभी सामान वगैरह लेने के लिए। चलो यहाँ थोड़ा सामान लेना था वो ले लिया, फिर सामान मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेनी थी वो ले लिया, अभी आगे जा रहे हैं फ्रूट चाट वगैरह लेने के लिए, तो चलते हैं जाकर सारा सामान वगैरह लेके, फिर आप लोगों को ढकना घर ही मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगला दिन हो गया, हम लोग आए थे कटिंग शटिंग करवाने, रोजा रोजा रखा हुआ मेरी, मैंने अपनी कटिंग करवा ली है, अमाद की जो कटिंग है ना सेटिंग करवाने आए थे, अमाद की सेटिंग मैंने कर दी हल्की हल्की ये बैक साइड से, ठीक है ना, अब ये आई है इसकी बारी, कैमरा पकड़ी पकड़ी कैमरा, तो उधर से आप, अब हम इसको कह रहे हैं सेटिंग करवा लें, मेरे से तमीज से नहीं करवा रहा, और ये गुस्सा आ रहा है, हाँ ठीक है फिर अभी मान गया, पर ना फिर अमाद और मेरा जेन बना था, हम इसकी पिंड कर देंगे, गंजा हो जाएगा, गंजा कर देना
प्रोग्राम बांट देना इसका है राणा जारिशमान मोची ओ सॉरी नाई हाँ मन सुना फिर है टूडिया लगवाया इधर की दूश लग रहा है बस ऊपर दूर ओए यार अंकल इनसे पकड़े ही यार कुछ नहीं होता नहीं कुछ हुआ रोग क्या लेवल की स्पेड बढ़ी है बाबा जी कुत्ती साफ की है उसके बाद पेड़ मारी है गाय के अंकल ऐसे ही सलूक करना पड़ता है जब इस तरह गंदे गाय को हो तो ठीक है फिजान भाई मैं जा रहा हूँ मेरे पैसे दे देना अंकल को ठीक है बाकी बाइक पे भी आप अपने आए मेयर माद लादा बाइक में आए हैं ठीक है सुन रहे दोस्त है जी उन्होंने से बख्श दिया रमजान चल रहा है हमने कहा इस कोई चीज़ नहीं इसकी गाइब करते खुद भी हम अपनी कटिंग के पैसे देकर जाएंगे अपनी कटिंग के भी इसकी कटिंग भी हम दे देंगे ठीक है बाकी भी कटिंग शटिंग कराओ दसिए क्या हाथ में क्या पैसे आप देना क्यों अबू बना लो फिर घर दे खरा जा मेरे को ले आ कर की हो गया गुस्से ही घर गया आप ही तो किया है मैं दे दूंगा पैसे मैं मजाक नहीं कर सकता बंदा हूँ सीधा ही हो गया तू मन्ना तन्ना अपना खानदानी कट करा रहे हैं इधर जाहिर हो रहा है कि है जाहिर हो रहा है कि तू कि 19वीं सदी का उठ के आ गया प्याला कट कराने लग पिया वा प्याला कट लग रहा है अंकल जी प्याला कट कर दिया आपने ये देखिए ना ये तो पागल है मेरी 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 सेटिंग देख रहा अपनी देख जब होगी ना तब बताई प्याला कट जब नहीं कर रहे वो सेटिंग कर रहे हैं पुत्र प्याला काटा यहाँ देखे ना ये बड़े ये छोटे ठीक है ना यहाँ से भी देखे ये बड़े ये छोटे ये प्याला काटी के लाता है पुत्र तू मान ना मान हाँ जी रुतबे तो वड्डा से रहेगा रुतबे तो वड्डा नहीं अभी समझे फिर प्याला काट कर देता अंकल ने पर प्याला काट ने किया उस समझ लगी है था ना जरा इस जगह तू शेर ही वो बाहर नू है वा देखो ना बाहर नू है जगह तू करके अरे इस शेर जगह तू फटिया बाहर नू आ गया नहीं फटिया तो बाहर नू आ गया सिर डेंट पे तेरे तो सारी शक्ल तो डेंट पे आ जा ओए डेंटिस्ट को जा तेरे डेंट काट दे फाइनली गाइस टीमो का गोडा कटिंग करा के बाहर आ गया माशाल्लाह फुल टाइम हीगला लग रहा है हीगला हां मेरी कटिंग चेक करें माशाल्लाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं फिजान देखें के ना बाल बड़े हैं इसलिए प्यारा लग रहा है ठीक है मेरे ना छोटे बहुत कर दिए हैं उन्होंने बात असल ये है ठीक है बस कटिंग करवा कर अभी हम लोग आ गए जी मार्केट में पर सारा गोश्त गोश्त लगा हुआ ठीक है ना अभी हम लोग आए बकरे का गोश्त लेने के लिए छोटा गोश्त तो छोटा गोश्त लेते हैं यहाँ से अभी हो रहा है हमारा गोश्त गोश्त लेके उसके बाद पाए भी लेने हैं पाए तो अभी फोन करके पता करना पड़ेगा पाए लेने हैं कि नहीं तो भैया की दुकान है यहीं पर बैक साइड पर मतलब हमारी दुकान है तो अभी भैया के पास जाएंगे वहाँ जाएंगे कॉल करेंगे कर लोगों को पूछेंगे पाए लेने हैं कि नहीं जो भी होगा दिखाते रहते हैं अभी आप लोगों को गोश्त लेना है गोश्त लेके अभी और सामान भी लेना है जूस शूज भी लेने हैं कोई तो लेके सारा एक बार घर चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को साथ साथ बाबा जी यहाँ पर आए यहाँ पर आके फेड़िया नहीं पंजाबी में कहते फेड़िया वो भी ले लिए जूस भी ले लिए ठीक है ना पैकेट वाला अभी मैं पैसे देते हैं और निकलते हैं घर की तरफ फिर थोड़ा बहुत जो सामान चाहिए था ना वो ले आए हूँ अभी रह गया जी पाए हम लोगों ने भी लेके आने जी मार्केट से पाए पाए भी पका के खाएंगे ना अभी इतने खर्चे को मैं इसलिए करूँ क्योंकि ईद के नज़दीक जो है ना पहली बार जो रेट जो है ना वो पीक पे चल जाने हैं आसमानों पर रेट चल जाने हैं अगर अभी बकरे का रेट 1200 रुपया ना तो तकरीबन 1800-2000 रुपये चल जाने ईद के नज़दीक अभी जो एक पाया ना वो 100 रुपए का मिल रहा है ठीक है ना तो ईद के नजदीक पता नहीं कितने का हो जाएगा इसलिए मैं हम ना अभी जाके लेके आ रहे हैं ताकि ईद के नजदीक ना खजल खबरी ना करनी पड़े बाबा जी अभी हम लोग आए शहर रोड पे पाए लेने के लिए पाए ले लिया राशि देखे कितना दिखा है राशि देख लें कितना है बाबा जी राशि देखे आप लोगों ने कितना राशि इतना इसलिए क्योंकि अफतारी लेने सब निकले हुए हैं आहो इसलिए इतना रश है बाकी अभी हम लोग शॉर्टकट डाल के जा रहे हैं जहाँ से रश रुश ना हो और रोके सोके हम लोग हो गया घर पहुँच रहे हैं क्योंकि अफतारी में पीछे रह गए हैं जी 50 मिनट तो जाके अफतारी भी करनी है और अभी जा रहे हैं जी हम लोग घर चलिए पाए लेके घर दे दिए अभी आए समोसे लेने के लिए समोसे लेते हैं या आखिरी काम उसके बाद जाते हैं जी घर और घर जाकर रोज़ा अफतार करते हैं बस फिर समोसे भी जी हमारे पास यहाँ पर हो गए ठीक है ना पकौड़ियाँ ले रहे हैं अभी पकौड़ियाँ लेके चलते हैं घर समोसे और पकौड़ियाँ ले ली हैं और चलते हैं घर
तो खैर जी सामान वगैरह लेके जो है ना हम लोग घर वापस आ गए हैं अभी अफतारी के वहाँ पर अफतारी के लिए वहाँ पर टेबल लग रहा है ठीक है ना। बाकी जो है ना सारे दोस्त जो है वो घर चले गए हैं अभी करनी है जी हमने अफतारी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है सारी दोपहर से खज्जल हो रहा है। दो बजे से आप लोगों के सामने पहले कटिंग कराने गया हूँ उसके बाद मार्केट के तीन चक्कर लगे हैं अभी वापस आए फिर समोसे लेके वापस आया हूँ। तो खैर अभी अफतारी करते हैं अफतारी करने के बाद जी आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। तो खैर ये था जी हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़।